तो आज मैं आपके लिए तीन शेयर ऐसे लेके आया हूँ जो मैं स्टडी करके आया हूँ पूरा, ओके। और ये आपके लिए भी, ये पूरा स्टडी पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। ये मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके स्टडी के लिए। आप भी शेयर का स्टडी कैसे कर सकते हो, जो थोड़ा चार्ट लर्निंग कैसे करते हो, ये सिखाने के लिए मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे तरफ से कोई आपके लिए बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ, ओके। सो ये सिर्फ अपना लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला शेयर जो मैं देख रहा हूँ है इंड टेरेंटियन फैशन करके है, ओके। तो उसको चेक किया तो मैं अभी ये चार्ट में चेक कर रहा था, तो ये उसका वीकली चार्ट, जो फर्स्ट वीकली ये वाला ये वीकली चार्ट है पूरा मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी उसका जो करंट प्राइस चल रहा है ये 66.55 का चल रहा है। तो मेरे यहाँ पे उसके जो टारगेट है वो अगले 15-20 दिन के लिए आ सकते हैं, ऐसा मेरे को लग रहा है। इसे सिर्फ मैं लर्निंग के लिए बना रहा हूँ कि आ सकते हैं क्या नहीं है, बराबर है, डिपेंड तो नहीं है, पर ये सिर्फ अपना लर्निंग पर्पज के लिए मैं बना रहा हूँ। कि इसका जो टारगेट होगा वो है 82 का लग रहा है मेरे को, उसके बाद 87 का। और उसका जो मैं टॉप लॉस मेरे को दिख रहा है वो है 62 वाला, ओके। तो ये सिर्फ लर्निंग पर्पज, मैं कोई आपको बाय रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ओके। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए मैं ये बना रहा हूँ आपके लिए। जो सेकंड था मेरा शेयर है, इसका आपको जो फंडामेंटल देखना है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो स्क्रीनर की जो वेबसाइट है वो यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो हम इंड टेरेटिन का, सॉरी, ये देखो ये इंडियन टेरियन फैशन का ये शेयर है, ओके। जो उसका सेल भी आप देख सकते हो, तो अच्छे तरह से सेल हो रहा है, इसका सेल बढ़ता जा रहा है, राइट। और ये फंडामेंटली भी अच्छा शेयर है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है इसका। यहाँ पे देखो ये अगले 3 क्वार्टर से माइनस में दिख रहा है, पर अगले क्वार्टर में वो आ जाएगा, क्योंकि दिवाली या न्यू ईयर इसमें थोड़ा खरीद के दर ज़्यादा रहती है, और ये आगे प्लस में दिखा सकता है, ओके। ये पूरा ये इसका ये है स्क्रीनर पे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किसी शेयर का फंडामेंटल आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट में जो शेयर लेके जा रहा हूँ वो मनप्पुरम का है, ओके। तो इसका भी आप चार्ट देखोगे तो ये भी चार्ट अच्छी तरह से बना हुआ है, ओके। तो ये भी वीकली चार्ट है, ओके। तो इसका मैं जो आपको टारगेट जो दिख रहे वो मैं 180 वो 210 के दिखा सकता है। और इसका जो टॉप लॉस मैं बोल सकता हूँ यह है, वीकली पे हम रख देंगे 150 का आप रख सकते हो, ओके। तो ये मेरे तरफ से भी कोई ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप आपकी तरफ से ये स्टडी करके पूरा आप एनालिसिस कर सकते हो, ओके। ये मनप्पुरम फाइनेंस का था। अभी जो दूसरा और तीसरा शेयर है मैं जो बोलने वाला वो है इंडोको, ओके। तो इंडोको का भी आप फंडामेंटल यहाँ पे चेक कर सकते हो, कुछ चेक करना है तो यहाँ पे देखो इंडोको रेमेडीज करके है, ये भी इसका सेल अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है, ओके। ये इंडोको रेमेडीज LTD करके है। तो इसका भी मैं अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, ये 2 वीकली सुपर कैंडल जो ग्रीन कैंडल अच्छे बने हुए हैं, ओके। इसने जो अक्टूबर सितंबर के जो हाई उसके पास भी वो टच किया है, ओके। तो मेरे को लग रहा है ये अच्छे तरह से आपको रिटर्न दिला सकता है अगले 15-20 दिन में, ओके। तो उसके भी मैं टारगेट जो रख रहा हूँ यहाँ पे 425 है, 501 का है, और उसका जो टॉप लॉस है वो 2354 का है। ये भी मेरे तरफ से कोई बाय रिकमेंडेशन या सेल रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए, ओके। ये सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज़ के लिए, आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ओके। ये पूरे ये तीन शेयर मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।